स्वागत है भाई लोग आप सभी का फिर से मेरे चैनल की एक और न्यू वीडियो में। सो आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं कुछ इस तरह का स्टाइलिश नेम बनाना सिखाने वाला हूं। सो देख सकते हो आप लोग नेम स्टाइल को, नेम के बीच में आप लोगों को एक स्टाइलिश सा नंबर भी दिख रहा है। सो इस तरह के आप लोगों को नंबर्स भी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, वो भी स्टाइलिश फॉन्ट्स के साथ। तो अगर आप लोग अपने फ्री फायर के नेम के साथ नंबर यूज करते हो, वो भी पुराने नॉर्मल फॉन्ट्स वाला, तो आप लोग उसको चेंज करके स्टाइलिश नंबर्स भी रख सकते हो, जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं दूंगा एंड पूरा एक नेम स्टाइल बना के भी दिखाऊंगा। साथ में फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को वीडियो के अंदर भी मिलेगा। और हाँ, हमारे चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो यार सभी का दिल से शुक्रिया। और इस सफर में जिन्होंने भी साथ दिया है, सभी को यार बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो बस आप लोगों ने सपोर्ट किया है, इसी वजह से यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। और क्या ही बोलूं, मतलब काफी अच्छा लग रहा है एंड बस इसी तरह सपोर्ट करते रहना। एंड नेक्स्ट टारगेट 100K का है, तो वो जल्द पूरा हो जाएगा। मतलब यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा है उसे काफी कम लगेगा। एंड बाकी बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना एंड मैं वीडियो भी ऐसे ही देता रहूंगा आप लोगों को। एंड बढ़ते अभी वीडियो की ओर, वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन का जो क्रोम ब्राउज़र ऐप है उस ऐप को आप लोगों को ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है फ्री फायर एंड नेम स्टाइल डॉट कॉम। एंड सर्च करके आप लोगों को इसी वेबसाइट के अंदर आना है जो पहले नंबर पर आएगा, और इस वेबसाइट का लिंक मैं कॉमेंट में भी दे दूंगा पिन करके, वहाँ से भी क्लिक करके आप लोग आ सकते हो। एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को करना क्या है, सिंपली यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, आप लोगों को कोने पे दिख रहा है। सो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है और फैंसी टेक्स्ट सिंबल्स के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। सो जैसे आप लोग क्लिक करोगे, अगर ऐड वगैरह आता है तो आप लोग बैक कर देना, यहाँ पे कट का ऑप्शन भी है। सो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रोल करना है, और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक नेम स्टाइल दिखाया था जो कि प्ले टू विन का, तो वो वाला नेम स्टाइल बनाने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो पी है, तो पहला अल्फाबेट जो है वो मैं बड़ा लेता हूँ हमेशा। एंड आप लोगों को भी लेना है। एंड कोई सा भी अगर आप लोग नेम बनाना चाहते हो आप लोगों का खुद का नाम, तो यहाँ से आप लोग बना सकते हो। पहला अल्फाबेट्स को थोड़ा सा बड़ा रखना, तो यहाँ पे मैं पी को सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि यहाँ पे पी है एंड देख सकते हो ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है। सो यहाँ से मैं पी को लूँगा एंड उसके बाद नीचे जाऊँगा। एंड बाकी के जितने भी अल्फाबेट्स है वो मैं थोड़ा सा छोटा, मतलब थोड़ा सा छोटा वाला फॉन्ट स्टाइल लूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देख सकते हो थोड़े से छोटे वाले फॉन्ट स्टाइल से यहाँ पे मैं एल को लूँगा एंड उसके बाद ए, और उसके बाद मैं यहाँ पे वाई को भी लूँगा, कहाँ पे है एंड सॉरी यहाँ पे है। एंड और भी बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल से अगर आप लोग यहाँ पे ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, मैं अभी दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले इस नेम स्टाइल को बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्ले को लिख दिया है एंड लिखने के बाद वो नेम स्टाइल इस तरह से था, मैं दिखा देता हूँ। कीबोर्ड के अंदर ये वाला जो सिम्बॉल है कर्सर की तरह, इसको मैंने यूज़ किया था। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने एक नंबर को यूज़ किया था जो कि स्टाइलिश फॉन्ट्स वाला, तो वो आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को एक ड्रॉप डाउन का बटन दिख रहा है, सो देख सकते हो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे राउंड नंबर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों को स्टाइलिश नंबर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 0 है, अगर आप लोग 0 लगाना चाहते हो एंड अपने नेम के साथ अगर आप लोग 0 लगाते हो, कोई सा भी नंबर हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे बंदे अपने लकी नंबर भी यूज़ करते हैं नेम की साइड में, तो उन सारे नंबर्स को आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो मैं बैक करूँगा यहाँ पे एंड बहुत सारे हैं यहाँ पे इस टाइप के भी नंबर्स हैं जैसे कि आप लोग यूज़ कर सकते हो, और ये फ्री फायर के अंदर शो भी होता है। बहुत सारे नंबर्स फ्री फायर के अंदर शो नहीं होते जैसे कि फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह, तो ये फॉन्ट स्टाइल्स मतलब फ्री फायर के अंदर शो होते हैं, तो इस टाइप के आप लोग मिल जाएंगे ये सारे फॉन्ट स्टाइल्स। तो मैं यहाँ पे बैक करूँगा एंड मैंने जो यूज़ किया था वो ये वाला फॉन्ट स्टाइल था। तो यहाँ पे 0 से लेके मतलब 10 तक है, अगर आप लोग कोई सा भी नंबर बनाना चाहते हो यहाँ से बना सकते हो। अगर आप लोगों को 777 लिखना है तो यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्ले टू इन था वो नेम स्टाइल पे, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा एंड इस तरह से भी मैं 2 लिखूँगा क्योंकि काफ़ी यूनिक लग रहा है। मैं टी ओ मतलब अल्फ़ाबेट्स के साथ भी लिख सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर्स के साथ लिखूँगा। एंड लिखने के बाद फिर से वही वाला कीबोर्ड वाला जो सिंबल्स था मतलब कर्सर की तरह, उसको यूज़ करूँगा। एंड अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विन को लिखूँगा। तो विन लिखने के लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे बैक कर देना है आप लोगों को। जैसे आप लोग बैक करोगे यहाँ पर ऊपर में पहुँच जाओगे आप लोग, देख सकते हो। एंड बैक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर भी W मिल जाएगा, तो ये वाला W को मैंने यूज़ नहीं किया था। तो आप लोग देखो मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे भी अलग सा फॉन्ट स्टाइल से, तो अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो नीचे मैं और स्क्रॉल करूँगा एंड यहाँ पे मिल जाएगा W, एंड यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो W है इसको मैंने यूज़ किया था एंड ये काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत सारे बंदे इस W को पसंद करते हैं, ये वाला फॉन्ट स्टाइल को।
मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे भी और भी मतलब W है, यहाँ पे ये वाला भी है, जो भी आप लोग यूज़ करना चाहो कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाला W को यूज़ करूँगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करूँगा एंड आप लोग एक काम करना, आप लोग बैक मत करना, पहले जो मैंने बोला था आप लोगों को लिखने के बाद जो बैक करने के बाद ऊपर चला जाता है, कभी कभी पूरा बैक हो जाता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, मतलब आप लोग स्क्रॉल करके ऊपर आ चले आना। एंड आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे छोटे जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं इनके साथ आप लोगों को आई एंड उसके बाद यहाँ पे लिखना है एन। सो यहाँ पे विन बन चुका है एंड पूरा नेम स्टाइल भी कंप्लीट हो चुका है, प्ले टू विन, देख सकते हो कुछ इस तरह से ये नेम स्टाइल बना था। एंड साथ में एक और सिम्बल्स भी आप लोग ऐड कर सकते हो अगर आप लोग चाहो। सो आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप लोगों को सिम्बल्स भी मिलेंगे, सो आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, बस वही बात है। यहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे चीज़ें मिल जाएंगे, मतलब सिम्बल्स भी है सब कुछ, मतलब यहाँ पे देख सकते हो। सो आप लोग यहाँ पे फाइंड कर लेना जो भी पसंद है सिम्बल्स, आप लोग उस सिम्बल को यूज़ करना, ये वाला। सो थोड़ा सा मतलब उतना भी सही नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है फिर भी। तो आप लोगों को कॉपी करना कैसे, जस्ट यहाँ पे कोने पे कॉपी का बटन है, सो इसके ऊपर मतलब कॉपी टैप करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, देख सकते हो कीबोर्ड के अंदर कॉपी हो चुका है। एंड गेम के अंदर जाने के बाद पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करते ही कंफर्म कर देना, पूरा नेम स्टाइल भी बन जाएगा। एंड कोई सा भी नेम बना सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने जस्ट आप लोगों को फ़ॉन्ट स्टाइल दिखाया है। सो भाई लोग ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।